सो ही गाइज, वेलकम टू द चैनल। और आज मैं आपको फुल डिटेल दूंगा और अपनी स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा लैपटॉप की, और होपफुली यह वीडियो आपको हेल्प करेगा। अगर आपको ऐसा लैपटॉप चूज़ करना चाहते हो तो ये वीडियो देखने के बाद होपफुली आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी और आप भी चूज़ कर पाओगे अपने लिए बहुत अच्छा सिस्टम। और लैपटॉप के साथ साथ मैंने क्या क्या दूसरी चीज़ें ली है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलो फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं लैपटॉप की। अब लैपटॉप ही मेन है एक्चुअली देखा जाए तो। सबसे पहले उसी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सारे लोग वही देखने के लिए आए ऑलमोस्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने कौन सा लैपटॉप लिया। तो मैंने लिया है एसर नाइट्रो 5। अब बहुत से लोग बोलेंगे असूस की तरफ जाना चाहिए, पर असूस में थोड़ा सा प्राइजिंग बजट नहीं बैठ रहा था इसलिए मैं एसर की तरफ गया, और एसर भी बुरा नहीं है एक्चुअली। तो ये लैपटॉप की मुझे प्राइस पड़ी है 94,000, जो कि मैंने सेल में लिया है। मुझे 94,000 का मिला, पर इसकी प्राइस 1 लाख के आसपास है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो इसमें राइजन 5 5600H, जो कि एक 6 कोर 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर है, और बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है जिसकी जो बेस फ्रिक्वेंसी है वो है 3.3 GHz और मैक्स बूस्ट है 4.2 GHz। और जितनी भी मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ उनके स्क्रीनशॉट आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए मिलते रहेंगे, तो चिंता नहीं लेनी। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 1080p की IPS एंटीग्लेयर डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, जो कि 144Hz की रिफ्रेश रेट के साथ आती है, जो कि आपको गेमिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। बाकी आपको 256GB की SSD और 1TB की हार्ड डिस्क देखने के लिए मिल जाती है। 256 बहुत कम है, पर आप अपग्रेड कर सकते हो। 1TB तक की आप इसमें SSD डाल सकते हो, 2TB तक की आप इसमें हार्ड डिस्क डाल सकते हो, और आप 32GB तक की इसकी रैम अपग्रेड कर सकते हो। 16GB की इसमें आपको रैम देखने के लिए मिल जाती है, जो कि सिंगल चैनल है, पर वो भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है सिंगल चैनल होने के बावजूद भी। और 32 MHz की इसमें आपको मिल जाती है 16GB रैम। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो इसमें आपको मिलता है RTX 3060, जो कि 95W का है, और ये एक एवरेज वॉट है, पर मेरी बात मानो इसमें परफॉर्मेंस सारे गेम्स में ऑलमोस्ट मुझे 100+ FPS मिल रहे थे, तो परफॉर्मेंस की इसमें कोई कमी नहीं है। 95W TGP है, पर परफॉर्मेंस ये अच्छी दे रहा है। और अगर आप दूसरी भाषा में समझना चाहते हो तो ये कुल मिला के असूस के टफ A15 जैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, सिमिलर मान सकते हो आप, इतनी ही परफॉर्मेंस दे रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी इसमें मुझे बहुत ही शानदार लगी। प्लास्टिक की बिल्ड है पर बहुत ही सही थी, और वो जो फ्लेक्स होता है कीबोर्ड फ्लेक्स होता है और जो टॉप का फ्लेक्स होता है वो भी बिल्कुल ना के बराबर था। और बात कर लेते हैं इसके कीबोर्ड की, तो आपको फुल साइज कीबोर्ड देखने के लिए मिलता है RGB इफेक्ट के साथ। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, आप कोई सा भी कलर इसमें अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। डिस्प्ले मैंने आपको पहले ही बता दिया 144Hz का 1080p IPS एंटीग्लेयर है, पर अगर कोई बंदा इसको कलर करेक्शन के लिए लेना चाहता है जिसका काम कलर से रिलेटेड ज्यादा हो, कि जैसे एक्यूरेट पर्पल ही आना चाहिए ऐसा कोई काम अगर वो करता है, तो वह लैपटॉप के साथ ना जाए, क्योंकि इसमें 32% के NTSC है। आप कम से कम 72% वाली लो तो तभी आपका काम अच्छे से हो पाएगा। इसमें आपको 57.5 Wh की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, और गेमिंग लैपटॉप से आप बैटरी की ज़्यादा उम्मीद ना रखो तो ही अच्छा है। मैंने इसको टेस्ट किया था, जहाँ तक मुझे 5 घंटे का ऑलमोस्ट बैटरी बैकअप इसने दिया था 50% ब्राइटनेस पे RGB लाइट्स ऑफ करके। और पर अगर आप बैटरी का मैनेजमेंट ढंग से कर पाते हो ना, कि आपको कहाँ पर पावर को ज़्यादा देना है कहाँ नहीं देना है, तो आप इसमें कम से कम 13 आवर्स की बैटरी बैकअप निकाल दोगे। गाइज, अगर आप कोई सा भी लैपटॉप ऑनलाइन लेने का सोच रहे हो तो जो सबसे पहले ये जो आई बटन में वीडियो आ रही है, एक बार इसको जरूर से चेक कर लेना, क्योंकि ये लैपटॉप लेते हुए मेरे साथ एक सीन हो गया था, वो मैंने उसमें बताया है, तो वहाँ जाके उस वीडियो को ज़रूर से देख लो एक बार। इसका चार्जर आपको 180W का मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा खासा चार्जर आपको देखने के लिए मिलेगा और बहुत अच्छी पावर प्रोवाइड करेगा आपकी GPU को। और एक और चीज मैं आपको टिप देना चाहूंगा कि अगर आपके घर पे अर्थिंग नहीं है तो अर्थिंग लगवा लो, या फिर एक अलग से एक्सटेंशन लो, या फिर कोई सा एक पावर एडाप्टर ले लो, जो कि आपके चार्जर को उतनी पावर जान दे जितनी रिक्वायर्ड है। क्योंकि अगर आपके घर पे अर्थिंग नहीं है और आप सीधा स्विच बोर्ड में लगा के इसको यूज़ करोगे, तो रोज़ के रोज़ आपका साल 2 साल जैसे जैसे आपका टाइम बीतते जाएगा, रोज़ के रोज़ उसमें एक्स्ट्रा पावर जाती रहेगी आपके लैपटॉप में। वो बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है आपके लैपटॉप को। इस बात का ध्यान रखना। गाइस, यही था इसमें इंपॉर्टेंट, तो और कुछ मैं नहीं बता सकता हूँ, और जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। बाकी इसमें जो ग्राफिक कार्ड है वो 6GB का देखने के लिए मिलता है, और मैंने 6GB का ग्राफिक कार्ड इसलिए लिया है क्योंकि जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो थी स्ट्रीमिंग, एडिटिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग।
ये सब था और गेमिंग ऑब्वियसली, तो ये सारे काम मुझे एक साथ करने थे। तो गेमिंग में अगर मेरे को 4 GB भी, मेरी अगर VRAM 4 ही है तो मेरे को एटलीस्ट 2 GB तो खाली चाहिए ही सही, ताकि मेरा जो बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर हो रहा है जो रिकॉर्ड करता है मेरे गेम प्ले को वो भी चल सके। सो मेरी रिक्वायरमेंट ये थी, तो मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये लैपटॉप को चूज़ करा है। मेरी रिक्वायरमेंट रिकॉर्डिंग थी, वीडियो एडिटिंग थी और गेमिंग थी, तो तीनों तीनों काम इस लैपटॉप में बहुत अच्छी तरह से हो जाते हैं। जहाँ तक बात करें प्रोसेसर की, तो 6 कोर 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर है जो कि कहीं से भी कम नहीं है, और यह 4K तक आराम से वीडियो एडिट कर सकता है। सो प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड में मुझे कोई कमी नहीं मिली, और बाकी मैंने इसको 1 मंथ तक यूज़ करा है, मुझे ऐसी कोई खास दिक्कत इसमें फेस नहीं हुई। सारे गेम मुझे 100+ FPS पे ये खिलवा रहा है। GTA 5, माइनक्राफ्ट वगैरह, जो भी जितने भी गेम मैंने इसमें टेस्ट करे, सबके सब बहुत अच्छी क्वालिटी में इसने प्ले करें हैं और रिकॉर्ड भी करें हैं। सो अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ कि परफॉर्मेंस की, तो आप यहाँ पर देख लो कि इसका जो स्कोर निकल के आ रहा है इसके CPU का, क्या क्या परफॉर्मेंस है इसके CPU की। अब यहाँ पर लैपटॉप का आई थिंक मैंने पूरी डिटेल्स यहाँ पर दे दी है। अब बात कर लेते हैं मैंने एक्स्ट्रा क्या लिया है। तो मैंने एक कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो लिया है जो कि है ज़ेब्रोनिक ज़ेब्वर, जो कि RGB के साथ आता है। हालांकि आप उनका कलर चेंज नहीं कर सकते, पर डेट इज़ कम्प्लीटली फाइन। और एक मैंने लिया था RGB माउस पैड, जिसका इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बाय द वे मैंने ये एक तो मैंने कीबोर्ड माउस लिया, RGB माउस पैड लिया, एंड थर्ड चीज़ मैंने कूलर लिया है, जो कि आप भी लो तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि कूलर के बिना आप गेमिंग कर तो पाओगे पर वो आपकी लैपटॉप की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। आप एक कूलर ले लो ताकि एक एटलीस्ट प्रॉपर एयर फ्लो बना रहे, और जो कूलर है वो जहाँ तक टेम्परेचर कम नहीं करता है पर एटलीस्ट प्रॉपर एयर फ्लो रहता है, और आपके लैपटॉप की लाइफ भी इससे अच्छी रहती है। लास्ट थिंग मैंने गेमिंग हेडफोन लिया है जो कि कॉस्मिक बाइट की तरफ से, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये भी एक RGB लाइट के साथ आता है जो कि बहुत ही शानदार लगता है। सो यही था बस, और तो आई थिंक मैंने कुछ लिया नहीं है। सो होपफुली ये आपको लैपटॉप अच्छा लगा होगा और ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना चैनल को। हम आगे लैपटॉप से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस यहाँ पर डालने वाले, लैपटॉप के गाइड्स वगैरह और थोड़े से रिव्यू भी करेंगे जो जो नए लैपटॉप जैसे जैसे आते जाएंगे। सो कौन सा लैपटॉप अच्छा रहेगा वही मैं आपको इस चैनल पे बताता रहूँगा, और हर किसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर किसी की रिक्वायरमेंट सिर्फ एडिटिंग है तो उसको एक अच्छा CPU वाला चाहिए रहेगा, लैपटॉप ग्राफिक कार्ड से उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। सो वही मैं आपको सारे रिव्यू यहाँ पर दूंगा और आपको प्रॉपर गाइड करूँगा कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलता हूँ मैं आपको एक अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस।